दुष्यंत ने ये नहीं कहा कि हम राज करेंगे। मैं थोड़ा सा ये भी कह दूं कि क्योंकि पीछे जो मेरे से किसी ने पूछा था भी ये केजरीवाल ने ट्वीट किया, तो उसके लिए जो मैंने बोला था वो काट के उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट मेरा दिखाया, गलत दिखाया। मैंने कहा था अगर वो सारे तो कुछ शब्द काट के, तो दुष्यंत ने ये नहीं कहा कि हम खड़ाऊ रख के राज करेंगे। दुष्यंत ने ये कहा था चोई देवलाल के खड़ाऊ है, इनको लेकर हम लोग चलेंगे फील्ड में। हमें तो बहुत अच्छा लगा है, आप बाटा को ले लो, ये चप्पल बेच बेच के बाटा कहाँ पहुँच गया। लिबर्टी वालों को ले लो, वो तो करनाल के ही हैं, उन्होंने चप्पल ही बेची है और बिजनेस में आज उनका सबसे बड़ा नाम है। तो चिन्ह पे कुछ नहीं रखा हुआ, ये तो मतदाता ने वोट डालना है। कहूंगी बहुत अच्छा, बिना चप्पल के कुछ भी नहीं, उठते सारे पहले बेड के नीचे जागते, चप्पल चप्पल लगे रहते हैं। बस शुरू करने का एक ही मकसद था, क्योंकि मैंने महिलाओं को हमेशा हैंडल पे बैठा हुआ देखा है, सोफे के हत्थे पे, वो चीज मुझे हमेशा चुभती है। भी देखो हर चीज में भागीदारी, अब 50-45 और 55 का रेशियो है शायद वोट्स का, हमारा 55 जेंट्स का है, 45 लेडीज का है। तो जब बराबर के हम हैं तो फिर स्टेज पे भी थोड़ा होता बराबर का ही होना। मैं महिलाओं के लिए अगर 2019 में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। लघु उद्योग है महिलाओं के लिए, हैंडक्राफ्टेड इतनी सारी चीजें हैं जिनकी आज मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है। अगर वो घर घर में बालसमंद आप जाके देखो कि बहुत सारी चीजें बन बन के विदेशों में जा रही है। पूरा बालसमंद गांव जो है वो दोपहर में महिलाओं के लिए काम करता है, महिलाएं बैठ के। गुजरात में महिलाएं जो शीशे का काम करती है वो महिलाओं के, तो ये महिलाओं के लिए रोजगार है। और बाकी जो नौकरी है वो हम ये रेशियो लेके, जितने बॉयज लगेंगे उतनी गर्ल्स लगेंगी।